ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 72 of the Aranyakandam, which has 27 verses. Appearing in his ethereal form when cremated by Sri Rama and Lakshmana, Kabandha counsels them to make an alliance with Sugriva. आज हम अरण्य कांड के द्विसप्ततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 27 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। एवं उक्तौ तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौ गिरि प्रधरमासाध्य पावकं विससर्जतुः। कबंध के ऐसा कहने पर इन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। Taking Kabandha to the hollow of a mountain and placing him on logs of wood piled in the hollow, those two valiant rulers of men, Sri Rama and Lakshmana, for their part, when spoken to as above by Kabandha, ignited a fire. लक्ष्मणस्तु महोल्काभिः ज्वलिताभिः समन्ततः चिताम् अधीपयामास सा प्रज्वला सर्वतः। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लकुरिया के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई, फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। With the aid of large burning brands, Lakshmana, for his part, lit the pyre on all sides, and lo, it began to burn fiercely all around. तत्शरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् मोदसा पच्यमानस्य मन्दं दहत पावकः। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। The fire slowly consumed the aforesaid body of Kabandha, which, while being cremated, looked like a huge lump of clarified butter, plump with fat as he was. सविधूय चितामाशु विधूमो अग्निरिवोत्थितः अरजे वाससी बिभ्रान्माल्यं दिव्यं महाबलः। तदंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। Throwing about the pyre and of the aforesaid Kabandha, who was possessed of great might, speedily rose like a smokeless flame, wearing a spotless pair of garments and a heavenly garland. ततस्थिताया वेगेन भास्वरो विरजांबरः उत्पपाताशु संहृष्टः सर्व प्रत्यंगभूषणः विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठाओ और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था और तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। Full of brilliance, clad in spotless raiment, highly rejoiced, and having all his limbs adorned with ornaments, he promptly flew from the pyre with impetuosity. Taking his seat in a splendid aerial car, conferring glory on its occupants, and drawn by swans, and illuminating all the 10 directions by his effulgence, the aforesaid Kabandha, who was endowed with extraordinary energy, spoke to Sri Rama as follows. सो अंतरिक्ष गतो वाक्यं कबन्तो रामम् अब्रवीत् शृणु राघव तत्वेन यथा सीताम् अवाप्स्यसि
राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृश दशांतेन दशाभागेन सेव्यते। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियां हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, वेदी भाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशा ग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, ये नीति है। While remaining in the air, he said to Sri Rama, "Hear, O scion of Raghu, how in reality you will be able to recover Sita. There are 6 expedients by recourse to which everything can be had after due deliberation by monarchs in the world. One who is overtaken by the height of misfortune is served only by another who has met with the similar fate." दशाभागगतो हीनस्वं हि राम स लक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दार प्रदर्शनम्। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्य के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। You, along with Lakshmana, are fallen in the height of adversity, deprived as you are of sovereignty and amenities of life. Because of this adverse fate, a misfortune in the shape of abduction of your wife Sita has been suffered by you. तद अवश्यं त्वया कार्यः सत्सुहृदां वर अकृत्वा नहि ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्। अतः सुहृदय में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना से सुहृदय बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृदय का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। Therefore, such an individual who has reached the culmination of adverse fate like you must be made an ally, O jewel among the kind-hearted, even though reflecting, I do not anticipate success for you without having an ally. श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसा पुरुष का परिचय दे रहा हूँ, उसका नाम है सुग्रीव। वह जाति के वानर है, उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। Listen, O Rama, I shall point out such an individual to you. There is a monkey chief, Sugriva by name, disowned by his enraged brother Vali, son of Indra. ऋष्यमुखे गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते निवसति आत्मवान वीरह चतुर्भिः सह वानरैः। वह मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। With 4 other monkeys, the high-minded hero lives on Rishyamukh, the foremost of mountains adorned with the catchment of the Pampa Lake. वानरेन्द्रो महावीर्यः तेजो तेजोवान अमित प्रभः सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान मतिमान महान। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी अत्यंत कांतिमान सत्य प्रतिज्ञ विनयशील धैर्यवान बुद्धिमान महापुरुष कार्यदक्ष निर्भीक दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। That monkey chief who is possessed of extraordinary prowess is full of energy and endowed with unbounded effulgence, true to his promise, cultured, resolute and highly talented, clever, intrepid, glorious and possessed of extraordinary might and valor. दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान महाबल पराक्रमः भ्रात्रा विवासितो वीर राज्यहेतोर महात्मना। सते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृताः। वीर श्री राम, उनके महामना भाई वाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए
उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः वह सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में ना डालिए। He has been exiled by his high-minded brother for the sake of sovereignty. He will surely prove to be your helper in your request for Sita, as well as your friend, O Rama. Therefore, do not give over your mind to grief. भवितव्यं हि तच्चापि न तत्सख्यम् इहान्यथा कर्तुम् इक्ष्वाकु शार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः। इक्ष्वाकुवंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है, उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है, अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है, उसे काल या प्रावत का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। That which is destined to happen in this world can never be altered in any case, O tiger among the Ikshvakus, for the time spirit cannot be easily overstepped. गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वा अद्य राघव। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। Depart with all speeds from this place to the presence of the said Sugriva, who is possessed of great might. Nay, departing from this place today, O heroic scion of the Raghus, quickly make him your friend. अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ न च ते सो अवमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह ना करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए, और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। Get united with him as a friend when a fire is blazing, with a view to remaining free from enmity ever afterwards. And the said chief of monkeys, Sugriva, should never be disregarded by you. कृतज्ञः कामरूपी च महासहायार्थी च वीर्यवान् शक्तौ हि अद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम्। वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं, तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है, उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। He is grateful and capable of assuming any form at will. He seeks to get an ally and is powerful. And indeed, you too are capable even now of accomplishing the purpose sought to be accomplished by him. कृतार्थो वाक्कृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति स क्षराजसः पुत्रः पंपाम अटति शंकितः। सुग्रीव का मनोरथ पूरा हो या ना हो, वे आपको कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। रिक्षर राज के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। Irrespective of whether his object is accomplished or not, he will surely accomplish your purpose. Sprung from the lions of the sun god, the aforesaid son of Kshura Raja consort roams about on the brink of the Pampa Lake. भास्करस्य औरसः पुत्रो वालिना कृत किल्बिषः सन्निधाय आयुधं क्षिप्रं ऋष्यमुखालयं कपिम्। उन्हें सूर्य देव का ओर से पुत्र कहा गया है, उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषि मुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। Full of apprehension of the of an attack from Vali, since he has entered into hostilities with his elder brother, Vali. Laying aside your weapons as a token of your friendly attitude, quickly make the monkey chief who has taken up his abode on the Rishyamukha hills and wanders in the forest your friend on oath, scion of the Raghus. कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणं सहि तानानि कार्ष्ण्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः।
कपि श्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान है उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। Indeed, that elephant among the monkeys thoroughly knows all the haunts of the ogres feeding on human flesh in this world by virtue of his cleverness. नर मांस अशिनाम लोके नैपुण्या अधिगच्छति न तस्य अविदितम लोके किंचिदस्ति ही राघव। रघुनंदन शत्रु दमन सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव जहां तक तपते हैं वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात। Really speaking, nothing is unknown to him in this world, O Sion of the Raghus. यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्रांशुः परं तप स नदीर् विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान्। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। Searching with the monkeys, rivers, large mountains, crags and craves to the extent of 1,000 rays, sun blazes forth, O scourge of enemies, he will trace out your spouse. अन्विष्य वानरैहि सार्धं पत्नीं ते अधिगमिष्यति वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव। दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन सोचतीं अन्वेष्यति वरारोहं मैथिलीं रावणालये। राघव मैं आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशाल काया वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। Nay, he will send out monkeys of large proportions to score the quarters and will seek for the aforesaid Sita, the princess of Mithila, of excellent limbs, grieving through separation from you in the abode of Ravana. Sa Meru Shungagra Gatham Aninditam Pravishya Patala Talepi Va Ashritam Plavangamanam Rushabaha Tava Priyam निहत्य रक्षांसी पुनः प्रदास्यति। आपकी प्रिय सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्र भाग पर भी पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। Having entered his abode and exterminated the ogres, that jewel among monkeys will restore to you your beloved spouse, who is beyond reproach, even if she has reached the summit of Mount Meru or has found place in the depths of Patal, the nethermost subterranean regions. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 72 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Ram Nam Baranane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धन्यवाद धन्यवाद।